आइए एमसीक्यू नंबर 6 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ऑन इनडायरेक्ट टैक्स लेके आया हूं मैं आपके लिए। सर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके सामने। शायद 5 क्वेश्चन देखने के बाद आपको कंफर्ट जोन मिल रहा होगा और आपको जो टेंशन थी कि किस तरह से केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हम सोल्व करेंगे, शायद अब आपको कॉन्फिडेंस बन रहा होगा। सो टेंशन नहीं लीजिएगा। अरे सर हजारों क्वेश्चन करो तो भी कोई कंसर्न नहीं है, और बहुत कम क्वेश्चन करो पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिकली आपने पढ़ा हुआ ढंग से, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भले वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो, भले वो न्यूमेरिकली बड़ा क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और जो बात मैंने अभी आपसे कही है, लिटिल प्रोग्रेस ईच डे लीड्स एंड रिजल्ट्स इन अ बिग रिजल्ट। यस, हर दिन कुछ ना कुछ अपने आप में इंप्रूव करते जाइए। और सर आइए इसी पॉइंट के साथ हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सर देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। सर केस बेस्ड एमसीक्यू ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज, माहौल ही माहौल है हर तरफ। मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज परचेज्ड कैपिटल गुड्स ऑन 30th March 2019, इनवॉइस इश्यूड ऑन द सेम डे, ओके, ₹8.10 lakh प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%, ओके, एंड अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन अकॉर्डिंग विद द जीएसटी लॉज, ओके साहब, इसने आईटीसी अवेल कर लिया साहब। द सेड कैपिटल गुड्स वॉज यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंटली इट वॉज सोल्ड इन वर्किंग कंडीशन ऑन 14th February को कुछ ऐसा हुआ कि इसने मशीन को बेच दिया, सब लूट गए। नहीं मंगल इंडस्ट्री का नहीं, नहीं, नहीं लूट गया। इट वॉज सोल्ड इन वर्किंग कंडीशन ऑन 14th February 2020 एट अ ट्रांजेक्शन वैल्यू ₹7 lakh, ओके सर, 10 lakh में मशीन खरीदी, 28% जीएसटी पे किया, उसको बिजनेस के लिए यूज किया, आईटीसी उसका अवेल किया और 14 फेब को इसने उस मशीन को 7 lakh में बेच दिया। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। बच्चों सेक्शन 18(6) के बेस पे मैंने एक केस स्टडी बनाया है, इसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, सेम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दे रखे थे बेटा, उसी को मैंने एमसीक्यू फॉर्म में दिया, सो दैट आपको पता पड़े कि किस तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपने जितने भी क्वेश्चन बुक में बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने बुक में सोल्व किए, वही क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे तो उनका ही एमसीक्यू बन सकता है, उन्हीं को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है बेटा, कि कभी भी आप कोई कैपिटल गुड्स को बेचते हो तो ऐसे केस में उसका जो आपने आईटीसी अवेल किया माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट सर या फिर एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल ऑन सच कैपिटल गुड्स सोल्ड, ओके। अब सर 7 lakh में आपने बेचा है सर, तो 7 lakh पे कितना बनता है वो देख लीजिए आप। 7 lakh पे मशीन का रेट कितना है सर, 28% है। 7 lakh इंटू 28% रफ में लिखते जाइए बेटा आप, 1,96,000, 1,96,000, ये तो मशीन की सेल प्राइस पे जो लाइबिलिटी थी वो है सर। या फिर आपने आईटीसी कितना लिया बेटा, अब 10 lakh की मशीन थी, 10 lakh की मशीन पे 28% टैक्स आपने पे किया होगा बेटा, 28% होता है कितना, 2,80,000। अब 2,80,000 माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, नंबर ऑफ क्वार्टर कितने होंगे वो देख लीजिए आप बेटा। क्वार्टर्स कब से काउंट करेंगे, परचेज इनवॉइस की डेट से बेटा, डेट ऑफ इनवॉइस 30th March था बेटा, तो और आपको पता है जीएसटी एक्ट में सर क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर, जनवरी फरवरी मार्च, इवन इफ 2 दिन हो गए पर पार्ट ऑफ द क्वार्टर हुआ तो पूरा क्वार्टर काउंट करेंगे। जैसे मार्च में 30th March को इसने परचेस किया, फिर भी जनवरी फरवरी मार्च पूरा एक क्वार्टर काउंट हो जाएगा बेटा ये, तो 31st March 2019 को एक क्वार्टर पूरा हो गया, देन 30th June 2019 को एक और क्वार्टर पूरा हो गया, देन 30th September को थर्ड क्वार्टर पूरा हो गया, 31st December 2019 को एक क्वार्टर और पूरा हो गया, और इसने मशीन कब बेची, 14 February को, मतलब 5 quarter हो गए बेटा। तो 5% पर क्वार्टर तो हो गया कितना, 25% बेटा, हाँ है ना बच्चों। तो साहब 25% ऑफ 2,80,000 ये हमने देखा तो आता है 70,000 बेटा, इसको क्या करेंगे, 280 आपने आईटीसी लिया था उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस कर दो सर, तो आएगा 2,10,000। अब 2,10,000 और 1,96,000 क्या था बेटा, 7 lakh पे 28%, क्लियर, तो 196 और 210 व्हिचएवर इज हायर, 210, 2,10,000 इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी व्हिच इज पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 ऑन दिस मशीनरी व्हिच इज सोल्ड। तो 196 और 210 हायर क्या है, 210
तो 2,10,000 ए इज द करेक्ट आंसर. ओके क्लियर डन. ये एमसीक्यू नंबर वन खत्म. एमसीक्यू नंबर टू बोलता है क्या, वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 6 इफ द कैपिटल गुड्स वर रिमूव्ड एज सच विदाउट बीइंग यूज्ड. और आपको पता है सेक्शन 18(6) अगर आपने ध्यान से पढ़ाओ तो वहां लिखा है क्या, भले आपने उस मशीन को यूज किया या नहीं किया, भले आपने मशीन को वर्किंग कंडीशन बेचा या एज ए स्क्रैप बेचा या आपने यूज ही नहीं किया, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. मतलब सेम इज द आंसर. तो क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू नंबर टू दिया और आंसर 2,10,000 ही रहेगा इसका. मतलब ए अगेन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर सर. आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम. तो सर सेक्शन 18(6) का केस स्टडी बेरा पूरा. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 6 इफ द कैपिटल गुड्स वर रिमूव्ड एज वेस्ट एंड स्क्रैप. अगेन देर इज नो चेंज इन द आंसर. अगेन 2,10,000 ए इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि आपने कैपिटल गुड्स को यूज नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यूज किया और वर्किंग कंडीशन बेचा या एज अ स्क्रैप बेचा उससे भी फर्क नहीं पड़ता. वही आंसर रहेगा. कौन सा सर, जो आईटी से आपने लिया -5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर जो अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो, या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन सेल प्राइस ऑफ द मशीनरी सोल्ड विच एवर इज हायर. तो अगेन 2,10,000 इज द सेम आंसर. अगेन ए इज द करेक्ट आंसर. देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 क्या कहता है बेटा आपके लिए. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 6 इफ द गुड्स वर रिफैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड्स एंड डाइज जिग्स एंड फिक्स्चर्स व्हिच वर रिमूव्ड अंडर वर्किंग कंडीशन फॉर ₹2,00,000. बेटा आपको पता है मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्स्चर्स और रिफैक्टरी ब्रिक्स अगर आप परचेज करते हो और उसको अगर आप बेचते हो तो भी सेम रूल लगेगा. बस चेंज का पता है, अगर आपने रिफैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्स्चर को एज ए स्क्रैप बेचा है, यूज करने के बाद एज ए स्क्रैप बेचा है, तो स्क्रैप की जो वैल्यू होगी केवल उस पर जो जीएसटी बनता है वो लगेगा. सर वहां पे विच एवर इज हायर वाला फंडा नहीं लगाते हैं, पर यहां पे वर्किंग कंडीशन बेचा है बेटा आपने. क्लियर. तो अगेन आंसर विल नॉट चेंज. सर ध्यान रखना बेटा, अगेन सेम फंडा लगाएंगे हम. अब आपने 2,00,000 में बेचा है तो 2,00,000 पे 28% जो टैक्स बनता है वो जो बनता है कितना 56,000, और जो 2,10,000 हमने निकाला था अमाउंट वो आईटी से लेस करने के बाद विच एवर इज हायर, अगेन 2,10,000 विल बी द आंसर. सो अगेन ए इज द करेक्ट आंसर. कोई चेंज नहीं होगा इस आंसर में भी, क्योंकि अगेन सेल प्राइस पे जो टैक्स बनता है वो कम आ रहा है इसलिए. हाँ है ना बेटा, क्लियर. देखिए किस तरह से क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकता है, पर अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो पता है आपके आंसर्स आते जाएंगे. और कई बार क्या होता है जब सेम आंसर आता है तो एग्जाम में टेंशन होती है, इतना ईजी कैसे हो सकता है, एक आंसर कैसे हो सकता है. बहुत सारे लोग तो वहां गलती करते थे अगर कॉन्फिडेंस डाउन है तो. आइए एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा. व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबाउ इलस्ट्रेशन. ओके इफ द गुड्स वर रिफैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड्स एंड डाइज जिग्स एंड फिक्स्चर्स व्हिच वर रिमूव्ड एज वेस्ट ऑफ स्क्रैप फॉर ₹20,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन सच स्क्रैप बीइंग 18%. बच्चा मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्स्चर्स और रिफैक्टरी ब्रिक्स अगर आप परचेज करके जीएसटी पे करके उसका आईटीस लेते हो और फिर उसको यूज करके एज ए स्क्रैप बेचते हो, तो वहां सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 6 में क्लियर लिखा है कि वहां पे ये पूरा फंडा जो हमने पढ़ा वो नहीं लगाने का, वहां पे सिंपल उसकी सेल प्राइस पे जो टैक्स बनता है वही पे करने का, विचवर इज हायर वाला फंडा नहीं लगेगा. तो यहां पर 20,000 में आपने सेल किया है और रेट ऑफ टैक्स दे रखा है स्क्रैप पे कितना 18%. सर 3,600 विल बी द आंसर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. भारत माता की जय. एमसीक्यू नंबर 5 भी खत्म होता है और ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 6 जो एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, पर हाँ इसके इस केस स्टडी से पूरा सेक्शन 18(6) क्लियर हो जाता है बेटा, खत्म होता है. अब आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं. और सर हर सेक्शन का मैं कह रहा हूँ हर टॉपिक का केस स्टडी बन सकता है. सो ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप केस स्टडी बन सकते हो और किस तरीके से आप इजीली उसको सोल्व कर देंगे. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एमसीक्यूज बनाया मैंने, सो दैट आपको डर नहीं रहे कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में क्या होगा. अरे वही होगा जो आपकी तैयारी के साथ होगा. क्लियर. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. पढ़ते रहिए. थैंक यू सर. लव यू ऑल.